आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग विंटर हैक्स लेकर आई हूँ। तो अगर आप इन विंटर हैक्स को अपनाएंगे तो आपकी सर्दियाँ बहुत ही इजी होने वाली हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप इन विंटर हैक्स को जरूर अपनाइएगा और अपनी सर्दियों को इजी बनाइएगा। बच्चों के साथ अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ भी आप इन विंटर हैक्स को अपना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वेलकम बैक टू ट्रेंडी मॉम। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े तो प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज बिना थम्स अप दिए मत जाइएगा। सबसे पहला विंटर हैक यही है जो आप और मैं सब जानते हैं कि अगर आपके यहाँ सन निकल रही है, धूप निकल रही है, तो प्लीज मॉर्निंग में बच्चे को सन बाथ जरूर दीजिएगा। ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चा जवान सभी के लिए है कि मॉर्निंग में सन बाथ जरूर दीजिएगा, थोड़ी देर मॉर्निंग में धूप जरूर लीजिएगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। सेकंड विंटर हैक्स है, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाए लहसुन और अजवाइन का तेल फौरन से बनाकर रख लीजिए। ये आपकी सर्दियों को बहुत ही इजी बनाने वाला है। तो अगर इसकी रेसिपी आप लोगों के पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो हमें मस्टर्ड ऑयल में लहसुन और अजवाइन का तेल बनाना है और उसको बनाकर एक कांच की शीशी में बनाकर रख लेना है। इतना बनाकर रख लें 10-15 दिन के लिए, आराम से चल जाए। और डेली अपने बच्चे की मालिश उसी तेल से करें, उसको पूरी सर्दियों में बिल्कुल भी सर्दी नहीं होने वाली है। पूरी विंटर्स में उसे कभी भी सर्दी नहीं होगी, तो इसी तेल से उसकी मसाज करें। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसके जो नी वगैरह में, उसके घुटनों वगैरह में दर्द होता है तो वो भी दर्द, इससे उस दर्द में भी काफी राहत मिलेगी, तो उसमें भी ये अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट और तीसरा विंटर हैक है मेरा, जब भी आप खाना खाएं या बच्चा जब भी खाना खाए तो रोटी पे से थोड़ा सा देसी घी लेके उसके होंठों पर बाद में लगा दीजिएगा। अगर उस टाइम नहीं तो बाद में कभी भी शाम को सोते टाइम थोड़ा सा देसी घी लेके होंठों पर बच्चे के लगा दीजिएगा, अपने भी लगा लीजिए, होंठ एकदम मुलायम, नरम और गुलाबी बने रहेंगे। नेक्स्ट और फोर्थ विंटर हैक है, रात को सोने से पहले बच्चे की नाभि में, क्योंकि अभी गर्मी सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में बच्चे की नाभि में मस्टर्ड ऑयल या फिर आलमंड ऑयल की कुछ बूंदे डाल के उसको अच्छे से मसाज कर दीजिए नाभि में। इससे क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी में मॉइस्चर बना रहेगा, पूरी बॉडी में चिकनाहट बनी रहेगी आपके बच्चे की। तो डेली आप अपने साथ भी और बुजुर्गों के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्पेशली बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं स्पेशली बच्चों पर ज्यादा फोर्स कर रही हूँ। तो जब भी बच्चे को रात में अच्छा सोना जाए तो आप इवन और ऑड डे में चेंज कर सकते हैं। एक दिन आपने उसकी नाभि में आलमंड ऑयल डाल दिया, सेकंड डे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, थर्ड डे देसी घी लगा दिया, तो डेली उसकी नाभि में कुछ ना कुछ ऑयल लगाकर उसको सुलाइए। नेक्स्ट और पांचवा विंटर हैक है, सर्दियां स्टार्ट हो गई है, बच्चे को डेली शाम को जो दूध लास्ट में पिलाते हैं आप सोने से आधे घंटे पहले जो बच्चे को दूध देते हैं उसमें हल्दी जरूर ऐड करें, यानी हल्दी वाला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। सर्दियों में उसकी बॉडी में गर्माहट रहेगी और सर्दी होने से उसे बचाएगा। और बाकी भी बहुत सारे फायदे होते हैं हल्दी वाले दूध से, तो प्लीज बच्चे को सर्दियां स्टार्ट होते ही डेली शाम का वाला दूध है उसमें एक पिंच हल्दी जरूर मिक्स करें। सिक्स विंटर हैक है जायफल। जी हाँ, सर्दियां शुरू हो गई हैं, अल्टरनेट डे में या फिर 2-4 दिन छोड़कर जैसे ही बच्चे को सर्दी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बच्चे को जायफल रगड़कर थोड़ा सा जायफल जरूर चटाएं, इससे बच्चे के शरीर में गर्माहट रहेगी और उसे सर्दी नहीं होगी। तो जायफल बच्चे को जरूर दें जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाएं। नेक्स्ट एंड सेवन, हॉट वाटर बॉटल अपने पास जरूर रखें, नहीं है तो मंगा लें मार्केट से। हॉट वाटर बॉटल की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है क्योंकि ये समय ऐसा है अगर जरा सा भी नॉर्मल पानी, ठंडा पानी बच्चे ने पी लिया तो उसके गले में फौरन खिचखिच हो जाएगी, आपके गले में भी खिचखिच हो जाएगी। तो बच्चे को ऑल टाइम हल्का सा ल्यूक वॉर्म वाटर ही पिलाएं। तो ल्यूक वॉर्म वाटर बार बार तो आप गैस पे करने जाएंगे नहीं, बार बार गैस पे अगर आप गर्म करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा और फिर आपको लगेगा कि सर्दियां आती ही क्यों, इतना काम बढ़ा देती हैं, क्या क्या काम करो सर्दियों में। तो ये विंटर हैक अपनाएं, अपने पास में पानी का थर्मस जरूर रखें, सुबह ही पानी बॉईल करके उसमें हल्का ल्यूक वॉर्म वाटर भरकर रख दें और पूरे दिन उसको बच्चे को वही पिलाएं, तो इससे भी आपकी सर्दी बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट और एट विंटर हैक्स है, हॉट जब सर्दी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है तो हम बिस्तर पर जाते हैं और बिस्तर बहुत ठंडा ठंडा लगता है और हमें लगता है अब
बिस्तर कैसे गर्म हो, तो बस उसके लिए ये ट्रिक है, ये हैक उसी के लिए है जो हॉट वाटर बॉटल आती है जिससे हम पीरियड में भी लेडीज यूज करती हैं, अपने पेट पर या कमर पर दर्द होता है तो उसको गर्माहट देने के लिए यूज करती हैं, उसी वाटर बॉटल को जो हॉट वाटर बॉटल होती है, या फिर वो नहीं है आपके पास तो कांच की कोई बॉटल है आपके पास उसमें पानी को उबाल के खौला के उस बॉटल में कर लीजिए, वो बॉटल पूरी गर्म हो जाएगी, उसको अपने बिस्तर पर ले जाके रख दीजिए और उसको कंबल से या रजाई से कवर कर दीजिए, तो उसको और पूरे बिस्तर पर ऐसे घुमा दीजिए, इससे बिस्तर एकदम गर्म हो जाएगा, जब आपका बच्चा या आप बिस्तर पर जाएंगे तो बिस्तर बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा और आप आराम से उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो 9 विंटर हैक्स है मेरा। अगर आपके बच्चे को सर्दी हो रही है तो मैं नहीं रिकमेंड करती आप कोई बाहर की चीज लाकर उसको दें, और बच्चे की इसमें जरा सी बच्चे को सर्दी होती नहीं है और उसकी नाक पहले बंद हो जाती है, तो लहसुन और अजवाइन को भूनकर तवे पर उसकी पोटली बनाकर रख लें, कॉटन में बांध के कपड़े में बांध कर उसकी पोटली बनाकर तैयार कर लें, जब भी बच्चे को सर्दी हो और लगे आपको ऐसा कि उसकी नाक बंद हो रही है तो बस उसके या फिर किसी धागे में बांध के उसके गले में पहना दीजिए, नहीं तो जब वो सोए उसके पास रख दीजिए, उसके थोड़ी थोड़ी देर उसे सुंगा दीजिए, उससे उसकी नाक उसकी महक से स्मेल से खुल जाएगी, तो आपकी विंटर इससे भी बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट विंटर हैक है जो कोई मेरा स्पेशल हैक नहीं है, विक्स बेबी रब की सीसी भी लाकर रख सकते हैं तो वो भी ये काम आसान कर देती है आपका। तो जो 9 विंटर हैक्स है वो टोटली होममेड है, तो जिनको आप यूज कर सकते हैं, और सभी विंटर हैक्स 6 मंथ के प्लस के बेबी के लिए हैं, 6 मंथ माइनस के बेबी के लिए विंटर हैक्स नहीं है, इनमें से कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन 6 मंथ प्लस के लिए सारे विंटर हैक्स लागू होते हैं, और घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए भी ये सारे विंटर हैक्स लागू होते हैं, तो आप इन विंटर हैक्स को अपनाएं और अपनी सर्दियों को इजी बनाएं। तो आई होप आप लोगों को ये विंटर हैक्स पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हो अप्लाई करना और अपने विंटर्स को इजी बनाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं और अमेजिंग हैक्स के साथ, अमेजिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।